आखिर कहां पर स्पॉट हुई हैं शहनाज गिल, और यही नहीं बल्कि जो शहनाज गिल के साथ में कौन कौन आने वाला है, जिनके लिए वो इंतज़ार कर रही है और जिनके लिए वो इंतज़ार में है। और आपको बता दूं कि वो जहां पर इंतज़ार कर रही हैं वो कहीं ना कहीं उनका ही सेट है, और उनके ही सेट पे इंतज़ार हो रहा है दो बड़े सुपरस्टार्स का, दो बड़े सेलिब्रिटीज़ का, जिनके साथ शहनाज जो है वो इंटरव्यू करने वाली हैं या फिर इंटरव्यू राउंड्स खेलने वाली हैं। तो आखिर कौन से दो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, कहाँ पर शहनाज जो है वो उनका इंतज़ार कर रही हैं, और किस वजह से इंतज़ार कर रही हैं, और उस पर जनता का क्या रिप्लाई है, क्या रिएक्शन है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर और पूरी अपडेट। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज़ और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। शहनाज को जनता ने ना बिग बॉस के घर के बाद ही इतना ज़्यादा पसंद किया है कि आज के समय शहनाज जो है वो एक हार्ट थ्रोब बन चुकी हैं। ऐसा शायद ही कोई होगा यार जो शहनाज गिल को ना जानता हो, और शहनाज ने अपनी पॉपुलैरिटी जो है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। क्योंकि बात मतलब मेहनत इन द सेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शहनाज जो है वो बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के आती हुई भी इस समय भाई SKF फिल्म्स के बैनर के अंडर काम कर रही हैं। सलमान खान के साथ में फिल्म स्क्रीन जो है वो शेयर करेंगी, एक ही फिल्म में दिखाई देने वाली है। किसी का भाई किसी की जान में शहनाज गिल जो है उनका भी रोल है, उनको भी रोल मिला है, उनको भी पसंद किया जा रहा है उसी वजह से। लेकिन आपको बता दूं कि बिग बॉस के घर में जब शहनाज आई थी तो बिना फैमिली बैकग्राउंड के, जीरो पर्सन इंडस्ट्री टच के साथ, लेकिन आज जो शहनाज हैं उनको लोग ना सिर्फ जानते हैं बल्कि बहुत अडोर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और आपको बता दूं कि शहनाज जो है वो मतलब बीच में थोड़ी सी डिवास्टेटेड भी हो गई थी जब से सिद्धार्थ शुक्ला का जब डिवाइस हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को बकलअप किया, धीरे धीरे दोबारा से काम करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की, और आज उनकी मेहनत शायद रंग ला चुकी है। और आपको बता दूं शहनाज जो है वो इसके साथ साथ किसी का भाई किसी की जान मूवी है उसके साथ साथ वो उनका एक शो भी आता है देसी वाइब्स विद शहनाज गिल, वो जो उनका टॉक शो है। तो इस शो में उन्होंने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया है, और बीच में कपिल शर्मा भी शो पे आए थे, जो एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था शहनाज के साथ बात करते हुए, और इसी शो के रील्स भी बने थे बहुत सारे उस एपिसोड के। तो अब शहनाज गिल जो है वो अपने ही सेट पे स्पॉट हुई हैं, ये आप देख सकते हो, अपने ही खुद के टॉक शो के सेट पे स्पॉट हुई हैं, और उनको बहुत पसंद भी किया जाता है, आप सब जानते हैं ये। तो आखिर इस पे जो है मतलब किस लिए, किसका इंतज़ार कर रही हैं वो, तो ये जो टॉक शो है उसके गेस्ट जो हैं कोई और नहीं बल्कि सलमान खान और यो हनी सिंह हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है शहनाज, और आप देख सकते हो इस पर क्या रिएक्शन है जनता का। तो कोई लिख रहा है मोस्ट हार्ड वर्किंग गर्ल शहनाज, कोई लिख रहा है ब्यूटीफुल शहनाज, सो हार्ड वर्किंग एंड ऑलवेज स्प्रेड्स पॉजिटिविटी, कोई लिख रहा है दिस गर्ल हैज़ रियली ग्रोन अप एंड बीन वेरी मच मैच्योर। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रही हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।